बंगले में एंट्री कर लियो भाई। दो तीन दांत मार दिया। गिरफ क्यों लगाई यार? पापा निकल गया। ओ भाई ओ गाइस, हमारे पास टिकट भी नहीं है, बिना टिकट के एंट्री कर ली। लूसी ने कभी इसी के सामने ग्रिप लगा ली। ये देख लो भाई कैसे लटक गई ग्रिप लगा के। बस 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 ऊपर चल रहे चल। नहीं पता नहीं मेरे सारे डॉग्स को क्या हो गया, एकदम से सारे बीमार हो गए। तो हे गाइस वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग, और आप देख रहे हैं चुपी के व्लॉग। गाइस अभी अपने गैंग के सारे खपिटर आ गए और प्रोग्राम बना रखा भाई दशहरे में जाने का। 20 रुपए लेगा सर, पता है। अगर इसकी ट्रैक्टर ट्रॉली में जाएंगे तो 20 रुपए किराया देना पड़ेगा। 8 रुपए जीएसटी। तो यार बहुत वो हो रहा है, किराया ले कौन ले किराया? बढ़िया बात नहीं भाई, कौन ले रहा किराया? माफ कर दिया क्यों? अभी मैं लेते ही नहीं। अच्छा चलेंगे दशहरे में, और दशहरे में भाई कोशिश करेंगे कि व्यू को भी साथ में लेके चले। अरे मम्मी भी अरे ले जाएंगे। गाइज घर वाले व्यू को कहीं नहीं ले जाने देते, जब वो मेरे जितना हो जाएगा तब भाई वो अपने आप ही चला जाया करेगा। गाइज इधर लूसी को देख लो कैसे बार कूदने वाली हो रही। बट भाई अभी डाकू हसीना को भी और पीकू को भी दोनों को ले जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही, घर में कोई भी बीमार हो, पीकू फ्री फंड में बीमार हो गया, वो भी खाना नहीं खा रहा, और रात डाकू हसीना ने भी खाना नहीं खाया, अभी इसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। अब इसका टेम्परेचर चेक करना पड़ेगा पहले। और इधर डाकू हसीना को देख लो, अब तक तो ये शांत भी नहीं बैठी थी, लेकिन अब देख लो भाई कल रात से कितनी शांत है, ना हंस रही ना बोल रही ना खेल रही हमारे साथ। ये भी नादो के फुल सेट है, और ये देख लो भाई मेरे को गिफ्ट मिल गया। गैंग के कंप्यूटर ने गिफ्ट दिया मेरे को पी नाम का, इसके अंदर डालेंगे अपनी नई बाइक के अंदर। गाइस अपनी बाइक पे नंबर लगने वाला है कल। गाइस 3-0 वाला नंबर कौन सा होने वाला है कल? कल तो पता लग जाएगा, कल तो फाइनल हो जाएगा। हेलो गाइज मेरे को ऐसा लग रहा है लूसी को भी लेके जाना पड़ेगा, उसको भी हरकत हो रही। आपको हसीना को देख लो अपने आप ही यहाँ के बैटरी बीमार हो रही भी हो ये। लेके चलूं डॉक्टर के पास? तू भी चलेगा? गाड़ी की खिड़की खुल रही, देखते हैं कौन बैठेगा पहले। सबसे ज्यादा पसंद गाड़ी में बैठना पीकू को है। लूसी को देख लो आगे जाके बैठ गई सीट पे। अब ओए अब कौन अंदर कर भिजेंगे। व्यू आगे बैठे गया, तू कहाँ बैठेगा? पता नहीं मेरे सारे डॉग्स को क्या हो गया, एकदम से सारे बीमार हो गए, अब सारों को डॉक्टर के पास लेके जा रहा। कौन हो रहा बीमार ज्यादा? ला 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 पीकू ला ऊंचे ला ओ पापी मैंने। डाकू हसीना कितनी बीमार है ये तुम इस चीज से अंदाजा लगा सको? आराम से बैठी बिल्कुल, कोई भी खुरापात नहीं कर रही। भाई सब लोग प्रे करो ये जल्दी से ठीक हो जावे, क्योंकि ये सबकी प्यारी है, सबकी दुलारी है। डॉक्टर के पास आ गए, लेकिन हमारे पास कोई से कभी पट्टा नहीं है। रोड पे सब आते जाते पीकू को देख रहे, तो मुड़ मुड़ के देख रहा। इनों का पर्चा बन गया, अब इनका टेम्परेचर चेक होगा तब पता लगेगा कि क्या हरकत है इनका। बस 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 गाइस इसका तो ट्रीटमेंट हो गया, अब इसे बिठाते हैं व्यू के पास। लूसी को 9 इंजेक्शन लगा, इसका वही ट्रीटमेंट चलेगा जो इनका चलेगा। ठीक है पता लग गया कि मेरा ट्रीटमेंट होने वाला है, तो भाग रहा बाहर की तरफ। वो टेम्परेचर भी 103.2 है। गाइस अभी अपने सब्सक्राइबर मिल गए थे, कचरी देखे गए। सबकी दवाई सेम चलेगी, सबका ट्रीटमेंट एक साथ लिख दिया, बस डोज अलग अलग देनी। डाकू हसीना और लूसी तो बैठ के गाड़ी में जाके पीकू देख रहा कि मैं भी गाड़ी में चलूं क्या, बट व्यू और मैं यही है इसलिए जा ही नहीं रहा। डाकू हसीना के लिए इंजेक्शन ले लिए, ये कर लगेंगे। तुम लूसी को देख लो कैसे खड़ी, जैसे कि गाड़ी यही चलाने वाली है। गाय अभी छोटे छोटे सब्सक्राइबर मिलने के लिए। बढ़िया। कहाँ से हो? तेरा नाम है? नाम है तुम्हारा? अनीस। आपका? लव। व्यू कुछ काम करना चाह रहा, सारी पेंट वाली बोतल एक लाइन में लगा ली, सारी बोतलों को एक साथ मिला के पता नहीं क्या बना देगा। ऊपर चल रहे चल। नहीं। क्यों? काम करेगा। गाय अभी शाम होगी और मेले में जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले पिकू एल्फा लूसी कभी सी सबको घुमा के लाना पड़ेगा। व्यू ये कह रहा कि मैं एल्फा को पीट दूंगा। ये भी लूसी को देख लो, सामने से पाकिस्तानी बुल्ली आ रही। ओ भाई वो खतरनाक है, हल्के में मत लिए लूसी उसे। लूसी भी किसी से नहीं डरती। और इधर की साइड खबीसी को देख लो कैसे फुदक रही। खबीसी पे बिना बात करंट बनना, बट भाई खबीसी पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि खबीसी ना इसके भी ग्रिप लगा लेगी। खबीसी को तो अबे खबीसी को देख लो कैसे पागल हो रही, झटके मारे नूना मारे झटके। ओके का फायदा उठा गया, पीकू ने कुछ चक मार ली, मेरे सामने तो एक बार भी नहीं घुस रहा था। ओके का फायदा देखते ही गैल कूद गया इधर। ओ अब क्या करना चाह रही तू? इधर खबीसी को देख लो कैसे पागल हो रही। बट भाई खबीसी की एक बात है, ओ भाई जंप देखो, खबीसी की एक बात है, इसका ये नहीं पता लगने का इसके ऊपर ग्रिप लगानी या उसके ऊपर ग्रिप लगानी, कोई भी फंस जाओ सामने उसी के ऊपर लगा देगी। खबीसी को अपने वाले गैंग से भी बचा के रखना पड़े, सामने वाले गैंग से भी बचा के रखना पड़े। कपड़े मिलते रहेंगे और कपड़ों पे ग्रिप लगाती रहेगी। इसके सामने कपड़ा आ जाओ, रस्सी आ जाओ, ट्यूब आ जाओ, टायर आ जाओ, बॉल आ जाओ, कुछ भी आ जाओ, हर चीज पे ग्रिप लगाना शुरू करता है। ये देख लो भाई कैसे लटक गई ग्रिप लगा के। ओ भाई पागल हो जावे। गाइस ग्रिप के मामले में ना सबसे ज्यादा सन की दिमाग की सी हमारे गैंग में खबीसी है। पहले नंबर पे खबीसी इसलिए है क्योंकि इसके दिमाग का ये नहीं पता भाई किस चीज पे ग्रिप लगा दे। लोहे की चैन पे ग्रिप लगा दे, लोहे पे ग्रिप लगा दे, लकड़ी पे ग्रिप लगा दे, मतलब किसी भी चीज पे ग्रिप लगवा लो हर चीज पे ग्रिप लगा दे। गाइस वैसे देख लो पाकिस्तानी बुल्ली कितनी फ्रेंडली है, बट भाई अगर पीकू इसके पास जाओगा तब तो ये पंगा ले ले। ईमेल वाले मामले में पीकू बहुत सीधा है, मतलब फालतू पंगे नहीं लेता, आराम से उधर खड़ी ना उधर खड़ी ये इधर खड़ा, क्योंकि एक दो बार ना बीच बीच में इनका पंगा हो लिया तो पीकू ये कहवे कि तू फीमेल है मैं तेरे साथ लड़ना नहीं चाहता। पाकिस्तानी बुल्ली इसे इतना टाइम हो गया ग्रिप लगाते लगाते, ये ग्रिप ही लगा रही है अब भी, ये ग्रिप छोड़ी नहीं रही। और गाइस इसके सामने लूसी की ग्रिप लगवाऊं? ओ भाई लूसी ने खबीसी के सामने ग्रिप लगा ली।
ओ भाई तगड़े वाली गिरी। तो भाई दोनों झटके मारा लग रहे। अब रुक जो गाय, दोनों को खुला नहीं छोड़ सकता। तुम्हें पता ही होगा खबीसी क्या करेगी। तक तुमने लैब्राडोर देखा कभी ग्रिप लगाते हुए? इसके सामने कोई भी डॉग हो, कैसा भी डॉग हो, और किसी के सामने ग्रिप लगा ले यार। बट भाई खबीसी को तो ग्रिप लगानी, ग्रिप ही लगा लग रही और ग्रिप ही लगाती रहेगी। साइड खबीसी को देख लो, पागल हो रही ग्रिप के पीछे। तो इतनी पागल है भाई, हर टाइम ग्रिप लगवा लो, चाहे इस पे ना, चाहे तुम पूरा दिन ग्रिप लगवा लो, चाहे पूरी रात ग्रिप लगवा लो, नए नए कपड़ों पे ग्रिप लगाती रहे। गाइस अपनी जो खबीसी है वो आदमियों के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, बट भाई डॉग के साथ और ग्रिप लगाने के मामले में बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है। ओए ओए लूसी को पकड़। को ये लग रहा था कि मैंने इसे गोद में क्यों ले लिया। एल्फ और रोकी दोनों की रनिंग एक साथ ही करवाया करेंगे, और इन दोनों की रनिंग एक साथ करवाने का फायदा ये भी रहेगा कि इन दोनों की दोस्ती भी बढ़िया हो जाएगी। गाइस रोकी को खुला छोड़ा रनिंग करने के लिए, लेकिन ये तो सीधा नहर में कूद गया यार। एल्फा बार बार जा रहा है इसे निकालने के लिए, बट इसे तो नारियल ढूंढने। रोकी ने उल्टा जवाब नहीं दिया, कुछ भी नहीं कहा। भाग रहा था, भागते भागते ना पकड़ लिया। गाइस हम तो सोच रहे थे कि इन दोनों के साथ में रनिंग करवाओगे, बट भाई रोकी नो। अब देख लो कुछ नहीं कह रहा। अब समझ में नहीं आ रहा कि एल्फा और रोकी की दोनों की एक साथ रनिंग कैसे करवाऊं, और एल्फा की आंख देख लो कैसे लाल होगी। गाइस अभी घर आ गए, पूरा गैंग भी आ गया। अब थोड़ी देर में जाने वाले हैं मेले में, लेकिन उससे पहले यार ये दिखा दूं भाई, एल्फा ने ना इसके 2-3 दांत मार दिया। छोटा होने का पूरा फायदा उठा रहा वो। गाइस अभी सारा गैंग रेडी हो गया, ट्रैक्टर पे जा रहे हैं भाई मेला देखने के लिए। गाइस अभी जाते वक्त मजा नहीं आ रहा, ये साइलेंसर ना उतार देंगे और तब भाई एग्जॉस्ट बना देंगे। एग्जॉस्ट तैयार हो गया। आज भी मेले में एंट्री होगी। ओ भाई साहब ये देख लो कितने बड़े बड़े झूले। आज भी एक तगड़े वाली सेटिंग कर ली, टिकट फ्री करवा लिए। अब चलते हैं झूलने के लिए। गाइस हमारे पास टिकट भी नहीं है, बिना टिकट के एंट्री कर ली। हर किसी का 100 रुपए का टिकट था, बट हमें टिकट नहीं मिले, बिना टिकट के एंट्री होगी। मगरमच्छ वाली नाव में सब सब पर आगे खड़े हो गए, और यहाँ से पूरा मेला चमक रहा। इधर गोल गोल ये भी मगरमच्छ वाली नाव भी, इधर गोल गोल ये भी, और मौत का कुआं भी है, बट मौत का कुआं चालू नहीं है। सिस्टम हैंग हो गया भाई। गाइस अभी भूत बंगले के अंदर एंट्री करेंगे। भूत बंगले में एंट्री कर लियो भाई। ओ बत तेरी। ओए 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 रात तेरी रात तेरी। ओए अबे कौन सा है? ओए वेस्ट ऑफ मनी हो गया, कुछ भी नहीं था भूत बंगले में, कुछ भी।